लॉकडाउन की वजह से शुरू हुई रामानंद सागर की रामायण अब विवादों में फंस गई है। लोगों ने रामायण को लेकर हजारों शिकायतें भेजी हैं। आखिर क्यों लोग रामायण को देखकर इतना नाराज हो रहे हैं, चलिए आपको पूरी वजह बताते हैं। 33 साल बाद फिर से दूरदर्शन पर रामायण को देखकर लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। इस सीरियल ने आते ही टीआरपी के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोगों को ऐसा लगने लगा कि पुराना वक्त फिर से लौट आया है, लेकिन अब यही लोग दूरदर्शन पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। ट्विटर पर बहुत सारे लोगों ने दूरदर्शन से शिकायत की है। नेहा दीक्षित नाम की जर्नलिस्ट ने ट्वीट करते हुए लिखा है, इस ट्वीट के लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन दूरदर्शन रामायण को मोजर वेयर डीवीडी के जरिए चला रहा है, वो भी वाटरमार्क के साथ। आपको बता दें कि मोजर वेयर एक डीवीडी बनाने वाली कंपनी है। नेहा के इस ट्वीट पर दूरदर्शन के सीईओ शशि शेखर ने जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है, ये जो तस्वीर है वो दूरदर्शन की तो नहीं लग रही, कृपया अपने सोर्स को दोबारा से चेक करें। आपने अगर ध्यान दिया होगा कि जब रामायण टीवी पर आता है तो वहां दूरदर्शन के अलावा कुछ और नहीं लिखा होता, मतलब नेहा ने जो तस्वीर ट्वीट की है वो पूरी तरह से फेक है। लेकिन ये मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। नेहा के अलावा कई और लोगों ने ट्विटर पर इस बात की शिकायत की है कि जब रामायण टीवी पर आता है तो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक इतना तेज होता है कि कभी कभी डायलॉग भी सुनाई नहीं देते। इन शिकायतों को लेकर दूरदर्शन के सीईओ की तरफ से कहा गया है कि वो बहुत जल्द ही इसका समाधान करेंगे। अगर आपको भी रामायण को लेकर इस तरह की कोई शिकायत है तो हमें कमेंट में बताइए। टेलीविजन और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।